हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंस्टेंट वाली ब्रेकफास्ट की रेसिपी, और इसमें हम यूज़ करने वाले हैं खूब सारे वेजीज, तो ये काफ़ी हेल्दी बनने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, इंस्टेंट वेजी इडली। तो इडली बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए एक मिक्सिंग बोल में मैंने ऐड किया है 1 कप सूजी, और ये फाइन वाला सूजी है। आपके पास मोटे वाला है तो आप एक बार मिक्सर में रन कर सकते हो। साथ ही मैंने ऐड किया है 1/2 कप दही और स्वाद के अनुसार नमक। इसको एक अच्छा से मिक्स देंगे, और ये देखिए ये काफ़ी गाढ़ा है, तो मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के और कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लूँगी। मतलब अभी तो कंसिस्टेंसी हम थोड़ा लूज़ ही रखेंगे, क्योंकि ये जो सूजी है ये काफ़ी सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है। और ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर दिया है, ये हमारा बैटर तैयार है। तो इसको हम ढक करके रख देंगे, कुछ 10-15 मिनट इसको हम रेस्ट होने देंगे। तब तक हम वेजीज को तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने पैन पर डाला है 2 टीस्पून ऑयल। ऑयल जैसे गर्म हो गया है तो मैंने इसमें ऐड कर दिया 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड, 1/2 टीस्पून मैंने चना दाल ऐड किया है, थोड़ी सी उड़द दाल मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, थोड़ी सी करी लीव्स जिसको मैंने चॉप कर लिया है, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे जिंजर, 2-3 ग्रीन चिली और एक छोटा सा अनियन जिसको मैंने बारीक से चॉप कर लिया है। इसके साथ ही जाएगा कुछ और वेजिटेबल, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है थोड़े से पीज़, थोड़ा सा मैंने लिया है यहाँ पर फ्रेंच बीन्स और थोड़े से गाजर। इन सारी चीज़ों को मैंने बिल्कुल बारीक से चॉप किया है। साथ ही जाएगा इसमें स्वाद के अनुसार नमक, और इसको एक बार मिक्स करेंगे हम। फिर इसको कवर करके हम कुक होने देंगे कुछ 2-3 मिनट के लिए। और यहाँ देखिए 3 मिनट हो गया है, तो हमारा वेजीज अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, ये कुक हो गया है। इसको रखते हैं हम साइड पर थोड़ा सा ठंडा करने के लिए। आइए अब हम चेक कर लेते हैं हमारे इडली बैटर को, और ये देखिए इसने काफ़ी सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया है, ये बहुत ही थिक हो गया है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा और पानी ऐड किया है और इसको कंसिस्टेंसी मैंने एडजस्ट कर लिया है। ये देखिए इस तरह का। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे ये कुक किया हुआ वेजीज, और इसको इस बैटर के साथ अच्छा से मिक्स कर देंगे। इसमें जाएगा थोड़ा सा सोडा 1 टीस्पून के करीब, और सोडा के ऊपर ही मैंने डाला है 1 टीस्पून विनीगर, और इसको अच्छा से मिक्स देंगे। विनीगर सोडा के ऊपर मिक्स करने से इसका इडली का जो राइस होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। इसको हम ज़्यादा देर तक फर्मेंट नहीं किया है ना, तो हमें थोड़ा सा सोडा डालना पड़ेगा इसमें। इसको मिक्स कर दिया है, फिर मैंने यहाँ पर ले लिया है इडली का मोल्ड। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के हम इसको ग्रीस कर लेंगे, और ये इडली का बैटर हम इसमें पोर कर देंगे। तो इसी सेम प्रोसेस में हमने सारे कैविटी को भर लेंगे। ये देखिए इसी बीच मैंने ये स्टीमर को रख दिया था गर्म होने के लिए। देखिए पानी अच्छा से गर्म हो गया है, तब मैंने यहाँ पर रख दिया है ये इडली की सांचा को, और इसको हम ढक करके इसको स्टीम करेंगे कुछ 10 से 15 मिनट तक। और मेरा इडली अप्रॉक्सीमेटली 12 मिनट में तैयार होता है, तो मैं इसको 12 मिनट पे उतार लूँगी। ये देखिए ये 12 मिनट हो गया है, और देखिए ये कितना अच्छा से राइज हुआ है इडली का। तो हम थोड़ा सा इसको ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद ही इसको डिमोल्ड करेंगे। ये देखिए, और ये देखिए हमारा हेल्दी एंड इंस्टेंट वाली ब्रेकफास्ट तैयार है। और मैं आपको दिखाऊँगी ये कितना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना है। आप इसे सर्व कर सकते हैं कोकोनट चटनी, पीनट चटनी के साथ। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।